उसकी चाबी किसके पास है? क्या हाल है भाइयों, आज हम आए हुए हैं अपना महिंद्रा के सर्विस सेंटर में। कॉन्सेप्ट महिंद्रा है ये, पीछे देखो आपको दिख रहा होगा, पीछे लाजपत नगर का इसका शोरूम है लाजपत नगर में, और यहाँ पर इसका सर्विस सेंटर है कॉन्सेप्ट महिंद्रा के नाम से। सर्विस कराने आए थे अपनी गाड़ी की, गाड़ी ली है अभी, दोस्त की गाड़ी एक्चुअली मेरे, तो हम सर्विस कराने आए थे। तो यहाँ पे हालत देखो गाड़ी की, इन्होंने ना भाई गाड़ी की ट्राई लेते समय गाड़ी को गटर के अंदर डाल दिया है। गटर के अंदर दिख रहा होगा आपको, फोटो मैं शेयर कर लूँगा आपके साथ, एक वीडियो बनाइए तो शेयर कर लूँगा, उसमें देख लेना आप। और ये निकालने में लगे जुगाड़ करके, तो ऐसा मतलब इतना अच्छा सर्विस दे रहे हैं यार ये, आजकल मुझे तो पता ही नहीं था कि गाड़ी को ऐसे करते हैं मैनेज यार। चलो मिलते हैं आपसे सीधा सर्विस सेंटर। तो भाई अपन ना लॉन्ज में बैठो है, दोस्त है मेरा दिखा रहा है, इसी की गाड़ी है एक्चुअली, तो सर्विस कराने लाए हुए हैं गाड़ी की। अभी आपने देखा था बाहर खड्डे में डाल दी थी इन्होंने, तो खड्डे से बाहर निकाल लिए। अब इन्होंने बोला है सर गाड़ी को टूट फूट जो है यहीं पे चेक कर लेना, कुछ हो तो हम आपको क्रेन पर उठा के दिखा देंगे और देख लेना कुछ टूटा हो। मैंने बोला भाई ऐसे तो यार पता नहीं चलेगा, मुझे तो इसकी नॉलेज नहीं है, बाइक की नॉलेज है तो अपन कर भी लेंगे लेकिन कार की तो नॉलेज नहीं है। पर फिर भी यार दुख बहुत हुआ जब यार वो खड्डे में चले गए, चेसी के ऊपर टिकी हुई थी पूरी गाड़ी, कॉल आ रही चेसी के ऊपर पूरी गाड़ी टिक हुई थी। अभी इन्होंने खड़ी कर लिए निकाल के, बाहर खड़ी हुई है गाड़ी, और गाड़ी को रैंप पे लगाएंगे, अभी सर्विस वगैरह करेंगे, पहली सर्विस करेंगे 500 की। लेकिन कुछ भी कहूँ, मेरी जो गाड़ी है ना, मेरे पास इको स्पोर्ट है यार, उसकी यार सर्विस मतलब सर्विस को लो या किसी भी चीज़ को ले लो, उसकी क्वालिटी को लूँ या सर्विस सेंटर की जो सर्विस देते हैं ये लोग उसको ले लूँ, मतलब सर्विस सेंटर का सेटिस्फेक्शन एक तरीके से वो भी ज़बरदस्त है। पर यहाँ पर तो यार मतलब क्या ही बोलूँ मैं, यहाँ पे ना क्वालिटी है गाड़ी के अंदर। इसकी गाड़ी मैंने चलाई आज, एक दो दिन पहले भी चलाई थी इसकी गाड़ी में, पता नहीं इसका चूतिया कट गया है या क्या है पता भाई, 14 लाख दिए बंदे ने, चूतिया नहीं कटा ठीक है। पर गाड़ी में ना क्वालिटी नहीं है, डब्बा टाइप की गाड़ी है और साला फीचर इतने सारे भरे हुए हैं परंतु चलते नहीं है। मतलब फीचर अच्छे हैं ठीक है, बढ़िया है। एक फीचर है मैप का, मतलब नेविगेशन, स्टीरियो है कंपनी फिटेड, सब कुछ लिया है इसने, लिमिटेड एडिशन लिया है 50,000 एक्स्ट्रा देके, और उसके अंदर मैप होता है नेविगेशन, लेकिन वो चलता नहीं है। जैसे क्लिक करेंगे हम नेविगेशन पे दिखाता है कि वो चलेगा नहीं, और यहाँ पर हमने बात करी है, बोले सर इसमें मैप नहीं आता। अब मैं बोला यार ये तुम तो आंखों में मिर्ची डाल दो ना यार, सारे पैसे भी निकाल लेना हमारे, नेविगेशन दे रखा है पर चलता नहीं। आपको दिखाऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर दूंगा, अभी आपको उसकी वीडियो भी बना के दिखा दूंगा अंदर, साथ में देख लेना। तो यहाँ पे ये दिक्कतें चल रही हैं इनको, मतलब समझ नहीं आता कि लिमिटेड एडिशन जो गाड़ी आई है इसकी बलेरो नियोन, उसका इन्होंने ट्रेनिंग नहीं लिया है या जो भी है पता नहीं। बाकी अभी देखते हैं काम क्या क्या करते हैं लोग सर्विस में। बाकी मेरा अब यहाँ का तो एक्सपीरियंस है भाई रद्दड़। मिलते चलो आगे, अभी खाएंगे अभी आपको गाड़ी। आपके साथ चलेंगे सर, रोटर देख लेते सर लंबी देख, 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 देख। तो भाई अपनी गाड़ी जो है वो लग चुकी है और इसका इन्होंने आगे का बोनट खोल दिया है। बोनट खोलने के बाद यहाँ पर भाई इंजन ऑयल का लेवल जो था वो इन्होंने चेक किया गाड़ी के अंदर कि ऑयल चेंज करने की जरूरत है। मैंने पूछा था तो मना कर दिया, बोला सर अभी ऑयल चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहली सर्विस पे नहीं होगा, दूसरी सर्विस पे होगा सीधा 10,000 किलोमीटर पे। और उसके अलावा यहाँ पर एड ब्लू भी होता है, बोले 10,000 पे होगा, बाकी इंडिकेशन आ जाएगी। आजकल इसका बड़ा पंगा चल रहा है यार BS6 गाड़ियों में, तो वो भी देखेंगे। इसके अलावा गाड़ी मैंने जब खड्डे में गिरी थी तो इन्होंने उठा के नीचे से दिखाई मुझे, तो निशान विशान आ गए हैं। चलो देखते हैं सर्विस के बाद क्या रिजल्ट आता है, गाड़ी की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती है या नहीं होती है वो तो अपन चला के फीडबैक दे पाएंगे आपको। पहले लेफ्ट में भाग रही थी, उसके बाद आप चलाएंगे तो देखते हैं क्या दिक्कत आती है या प्रॉब्लम सारी सही हो जाती है नहीं हो जाती है। मिलते हैं सीधा सर्विस के बाद। अच्छा वैसे सर्विस का सारा काम हो गया क्या? हाँ। अभी बस हम ट्राई ले रहे हैं कि स्टीयरिंग में दिक्कत तो नहीं आई है, क्योंकि स्टीरियो स्टीयरिंग तो सीधा कर दिया था, बताया था उन्होंने जो दिक्कत थी। हाँ। अभी खड्डे में गिरने के बाद जो दिक्कत है वो चेक कर रहे हैं ना, क्योंकि दोबारा तो नहीं टेढ़ा मेढ़ा हो गया। चलो भाई भाई अभी दोबारा से गाड़ी की ट्राई लेते हैं। पहले ट्राई ली थी तो पहले से गाड़ी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था कि स्टीयरिंग हल्का सा लेफ्ट में टेढ़ा था, और अब गाड़ी जो है इनसे खड्डे में गिर गई थी, उसके बाद दोबारा से ट्राई ले रहे कि कोई फिजिकल डैमेज तो गाड़ी में है नहीं, हमने चेक कर लिया, लेकिन चलाने के ऊपर गाड़ी के ड्राइव पे कोई असर आ रहा है नहीं आ रहा है वो भी चेक कर रहे हैं। तो अपन गाड़ी को लेके निकल रहे हैं बाहर और देखते हैं कि गाड़ी का जो वो है कंफर्ट है कैसा है, अभी स्टीयरिंग कैसा है, टेढ़ा है या नहीं है, या कोई प्रॉब्लम आई है या नहीं आई है।
भैया ने गाड़ी चला के देख ली, बढ़िया बढ़िया चल रही है आपके हिसाब से? भाई के हिसाब से गाड़ी बढ़िया चल रही है, अपन चला के देखेंगे और देखते हैं भाई गाड़ी में जो भी प्रॉब्लम थी वो आ रही है नहीं आ रही है दोबारा। तो चलाने के बाद एक ड्राइव टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं स्टेयरिंग है, और उसके बाद आपसे दोबारा बात करेंगे गाड़ी में इंप्रूवमेंट कितना आया, किस हद तक आया, ओके हुई या नहीं हुई। भाई गाड़ी चला के देख ली, अब गाड़ी तो अच्छी चल रही है यार, छोटी सी ट्राई ली है, तो छोटी सी ट्राई में ना वैसे भी नहीं पता लग पाता, तो लंबी ट्राई में पता लगेगा। बाकी का जो फीडबैक है तो लंबी ट्राई लेके बताएंगे हम। और एक चीज और दिखाता हूँ आपको इस गाड़ी के अंदर, नेविगेशन इज बूटिंग, प्लीज वेट अ मोमेंट। भाई साहब अगर आपने यहाँ पे क्लिक करो होम पे, यहाँ पे देखो नेविगेशन का ऑप्शन सारे, इस पे टच किया ये दिखाएगा नेविगेशन इज बूटिंग प्लीज वेट अ मोमेंट। मतलब ये इतना वेट करा लेगा आपसे, इतना वेट करा लेगा कि कोई लिमिट नहीं है, कितने भी घंटे करा सकता है। जब से गाड़ी ली है ना मेरे फ्रेंड ने, तब से जब भी ये इसे नेविगेशन को ऑन करता है यही चीज दिखाता है, नेविगेशन बूटिंग। अब यहाँ पर हमने आके बोला इनको कि भाई साहब इसमें मैप है, ये चल नहीं रहा, चलेगा कैसे? बोले सर इसमें मैप नहीं आता। मैंने बोला अगर मैप नहीं आता दिया क्यों है? गाड़ी के ब्रोशर तक में मैप दे रखा है, लेकिन गाड़ी के स्टीरियो में भी मैप दे रखा है, लेकिन ये बोल रहे हैं फिर भी चले, मतलब आंखों में मिर्ची डाल रहे हैं, देख रहे हो ना? तो ये सीन है। और एक और चीज है, ये एसी का वेंट चेंज करता है, मतलब इससे आप एसी को पैरों में कर सकते हो, फेस पे कर सकते हो और वाइपर पे कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, लेकिन ये काम नहीं कर रहा सही से। जिस दिन इसने ली थी ना उसी दिन गाड़ी को लेकर ये अगले दिन ही आ गया था यहाँ पे दिखाने इस चीज को, तो मैकेनिक ने बोला सर ठीक तो है, तो फिर मैं भी साथ में था, तो मैंने बोला भाई साहब ये चीज आपके हिसाब से आप चेक करो, आपको खराब लग रही है ठीक लग रही है? तो उसने घुमा के यूं देखा और बोल रहा सर ठीक है, मैंने सच में ठीक है? बोला हाँ सर ठीक है। मैंने बोला भाई साहब ये तो अलग ही चूतिया काट रहे हैं साले फालतू का, साफ पता लग रहा है मुझे, मैं टेक्निकल हूँ मुझे पता लग रहा है और मेरा बनाने में लगे हुए हैं। खैर आज हम जिससे सर्विस कराने आए हैं, मतलब आज जो टेक्नीशियन इसमें लगा हुआ है वो बंदा, उसे मैंने चेक कराया तो वो बोल रहा है कि भाई साहब इसमें दिक्कत है, मैं इसे चेक करवाता हूँ। तो बस क्या कर सकते हैं, बाकी गाड़ी हो चुकी है, सर्विस कर चुके हैं, ये सारा कुछ काम किया नहीं है इसमें, सारा जनरल चेकअप किया है। जनरल चेकअप के नाम पे इन्होंने क्या किया है गाड़ी के अंदर, गाड़ी को धुलाई पॉलिश करके अभी ये देंगे, उसके अलावा इन्होंने इंजन ऑयल का लेवल चेक किया, एयर फिल्टर को साफ कर दिया और गाड़ी को रैंप पे उठा के चेक किया। क्यों किया? क्योंकि गाड़ी इन्होंने खड्डे में गिरा दी थी, तो खड्डे में गिराने से तो मेरा मूड ही खराब हो गया है इसका भी, ये बेचारा देख रहा उदास पड़ा हुआ है जब से इसकी गाड़ी खड्डे में गिरी है, इसको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इसके साथ हुआ क्या, नई गाड़ी लाया और खड्डे में गिरा दी। सर क्या बोलो यार, बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा है। तो भैया आपको कैसा लगा इनका? बस मेरा अगर लास्ट ओपिनियन लोगे ना आप, तो यहाँ की सर्विस, मेरे पास तो इको स्पोर्ट है भाई, सब लाजवाब सर्विस देते हैं यार, कंपनी बंद हो चुकी है इंडिया के अंदर, उसके बाद भी सर्विस में कोई दिक्कत नहीं आई है, सर्विस मस्त दे रहे। और अगर बात करें यहाँ की महिंद्रा की, तो महिंद्रा की यार सर्विस की क्वालिटी नहीं है, बेकार सर्विस लगी मुझे। और आप लोगों को, अगर आप लोगों में से कोई महिंद्रा की गाड़ी चला रहा है और सर्विस कराता है, तो आप लोग मुझे अपना ओपिनियन जरूर देना कि आप लोगों के साथ सर्विस कराते समय कभी ऐसी घटनाएं घटी है क्या कि आपने गाड़ी सर्विस लेकर गए और ट्राई के बहाने उसने खड्डे में कुदा दी हो, ठोक दी हो या क्या कर दी हो, पता नहीं जो भी है। जेसी पे निशान आ गया, तीन निशान आया गहरे गहरे से, देख के यार थोड़ा सा मतलब दुखी हो गया बेचारा। भाई गाड़ी अभी हमारी जो मैंने बताया था ना कि खड्डे में गई थी, तो खड्डे में जाने की वजह से इसका जो राइट साइड का मिरर है ना वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, वो शायद खड्डे में गई होगी तो लोड लिया और लोड की वजह से मिरर काम नहीं कर रहा है इसका, जिसको जो इसका पावर एडजस्टेबल है ना, यहाँ से पावर एडजस्ट होती है इसकी, तो ये काम नहीं कर रहा है इसका ये मिरर। भाई इसका तो तगड़ा कटा है, सही बता रहा हूँ मैं, भाग रहे यार, देखो यार ये भाग गए, चले गए जेरी भाई, भाग गए यार गाड़ी में हमने देखो ये चार्जर लगवाया, वायरलेस चार्जर है ये रहा, ठीक है वायरलेस चार्जर लिया है, साला चार्ज नहीं कर रहा है, कितने का लिया है ये रहा, 3000 का, यस 3000 का चार्जर लिया है इसने, पर इससे चार्ज ही नहीं हो रहा, देखो कनेक्टिंग मैग्नेटिंग सब आ गई है, केबल लगा लिया, सब कुछ कर लिया, खुल भी रहा है लेकिन चार्ज नहीं हो रहा। मोबाइल दिखाता हूँ आपको, देखा ना भाई मोबाइल, इनका मोबाइल दिखाता हूँ, ये देखो इनका आईफोन है, वायरलेस है, हमने इसको अब दिखाते हैं आपको, ये देखो ये इसके अंदर रखाया, ये भाई ये हमने फोन को रखा इसके अंदर, अब ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया, पर देखो चार्ज नहीं हो रहा, ये देखो देख रहे हो नहीं हो रहा चार्ज, अब यहाँ पे पीछे बटन दबाएंगे ये निकल गया पर चार्ज नहीं हो रहा। तो भाई सुबह से घटनाएं घटे जा रही है, घटनाएं घट रही है यहाँ पे, मतलब महिंद्रा के साथ ये ऐसा एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है मुझे समझ नहीं आ रहा है। दूसरे भाई आया अब ये चेक कर रहे हैं, क्या लग रहा है भाई हो जाएगा चार्जर सही? और हाँ एक और बात, गाड़ी में जो दिक्कतें थी ना वो भी सही नहीं हुई है, एसी वेंट भी इसका जो है ये खराब ही है अभी तक, उसके अलावा जीपीएस जो था इसका वो भी नहीं चला, देखते हैं जीपीएस को भी। तो ये देखिए यहाँ पर ये नेविगेशन है, ये वही चीज दिखा रहा है जो आने से पहले दिखा रहा था, बोल रहे हैं भैया ये नहीं हो पाएगा हमसे, बाद में देखेंगे इसको हम, तो इसे भी छोड़ दिया इन्होंने। तो कुल मिला के आज का ना बस ये लगा लो कि सर्विस के नाम पे हम यहाँ पर आए तो हमारी गाड़ी की बस धुलाई पॉलिश हुई है, मुझे लगता है आज पूरा दिन हमने धुलाई पॉलिश के लिए निकाला था गाड़ी को, है भाई
दुधाई पॉलिश के लिए निकाला था हमने भाई, बड़ा ही मतलब पैथेटिक और पुअर एक्सपीरियंस रहा हमारा महिंद्रा पे, वो तो कॉन्सर्ट महिंद्रा मोहन गोपट्टी वाले पे देख लो। हमारा सुबह हम सुबह 1 बजे यहाँ आ गए थे और 1 बजे से अभी 7:30 बजने वाले हैं, रात हो गई, अंधेरा देख लो यार गाड़ी में। हम अभी भूखे हैं, खाना नहीं खाया, हम सिर्फ एक अच्छा एक्सपीरियंस हमें चाहिए था महिंद्रा से, जो कि हमें नहीं मिला। नहीं एक्सपीरियंस तो वाकई में मैं खुद भाई ये सही बता रहा हूँ दोस्तों, ये अकेला आता ना तो इसका तो सही से गड़सा लेके काट लेते, मैं तो साथ में आ गया तो मैंने भाई अपलोड भी कर दिया, वीडियो भी शूट कर ली कि इसके साथ कितनी सारी दिक्कतें आई है, ना मैं आता ना ये सब आप लोगों को पता लगता। वैसे मेरा भी बहुत बेकार एक्सपीरियंस था यार, फोर्ड की सर्विस कराई है मैंने अपनी, आज तक इतना बैड एक्सपीरियंस मैंने कार की सर्विस को लेकर नहीं देखा जितना महिंद्रा में पहली बार देख रहा हूं मैं। तो भाई आप लोगों को क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई फाइनली अपना जो गाड़ी है वो खड़ी हुई है, गाड़ी में यार बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम थी जो नहीं हो पाई सही, और टाइम वॉच का पूरा ख़राब ही हो गया हमारा यार ना, मतलब टाइम को लेके टाइम हमारा एक अच्छा नहीं गया, आज का दिन ऐसे ही निकल गया। गाड़ी में जो जो काम बोले थे वो भी नहीं हुए, बस धुलाई पॉलिश हुई है। लास्ट में हमने बोला कि चलो एक चार्जर लगवा लेते हैं इसमें, जिससे मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा और मैप भी देख लेंगे, क्योंकि जब तक मैप इसमें काम नहीं कर रहा तब तक कुछ तो चाहिए फ़ोन में, अब फ़ोन को पकड़ के कैसे मैप यूज़ करेंगे यार, बहुत सारी दिक्कत है, कुछ भी नहीं हो पाया। अब जा ही रहे लास्ट में, वो बेचारा एक ही बंदा रुका हुआ है, पूरा वर्कशॉप खाली हो गया, देखो ये बेचारा कड़ी मेहनत कर रहा है इंसान, देख लो ये भाई हमारे साथ लास्ट तक रुके हुए हैं, इन्होंने भी काफ़ी कोशिश करी पर नहीं हो पाया इनसे भी वो चालू चार्जर। तो अब हम भी जा रहे हैं घर यार, सुबह मतलब दोपहर को 1 बजे के आए हुए थे, अब 8 बज गए, निकल रहे हैं यार। अब घर मिलते हैं। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मज़ा नहीं आया सर्विस में भी, इको स्पोर्ट मेरी बहुत अच्छी गाड़ी है और उसकी सर्विस भी बहुत अच्छी। चलो भाई बुला रहे हैं हमें गेट पास दिलाने के लिए, अब घर भेजेंगे हमें, तो चलते हैं यार घर निकलते हैं अब। महिंद्रा का सर्विस सेंटर मेरे को मज़ा नहीं आया सर्विस करा के, यहाँ पे वो बेचारा फंस गया मेरा दोस्त, चूतिया कट गया उसका गाड़ी लेके, तगड़ा वाला।